जय माँ शारदा। तो गाइस अभी हूँ मैं मैयर मैन की माता शारदा जी के मंदिर पे। तो गाइस आपको मैं शुरू से बताता हूँ कि यहाँ तक कैसे आए, कहाँ रुके, एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप भी माँ शारदा के दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो आपके आने वाली है बहुत काम। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आए, कहाँ रुके, सारा कुछ आपको एक बजट प्लान बताने वाला हूँ। तो गाइस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो गाइस सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूँ कि जो मैं मैयर और मेहरा बोल रहा हूँ वो एक ही है, यानी कि मैयर की माता बोल लीजिए या मेहरा वाली बोल लीजिए, वो एक ही है। आप बाद में कन्फ्यूज मत होना कहीं मैं मैयर बोलूं या मेहरा बोलूं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको कौन से रेलवे स्टेशन आना होगा। तो गाइस यहां का रेलवे स्टेशन है यानी कि मैयर माता का है जो कि मेहरा रेलवे स्टेशन है। तो गाइस आपको अपने जिस भी सिटी से आप हो वहाँ से आपको ट्रेन देखनी होगी मेहरा स्टेशन तक। तो गाइस अभी तो मैं रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ, और अगर आपको मेहरा तक ट्रेन ना मिले तो आप और कोई स्टेशन आ सकते हैं यहाँ के नियर, जो कि कटनी रेलवे स्टेशन है, सतना भी है, तो आप यहाँ से आ सकते हैं। वैसे आप कमेंट कर दीजिए कि मैं इस सिटी से हूँ, अब कैसे आऊँ बाय ट्रेन मैयर, तो मैं आपको एक कमेंट में रिप्लाई में बता दूंगा कि आप यहाँ यहाँ से आ सकते हैं। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रूम की यानी कि रहने की। तो गाइस अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं थोड़ा आराम करूँ फिर माता जी के दर्शन करने के लिए जाऊँगा, जिसके लिए मेरे को रूम लेना पड़ेगा, जो कि आपको 400-500 रुपये में इजीली रूम मिल जाएगा। गाइस मैंने यहाँ पे कोई रूम नहीं लिया था क्योंकि मेरी ट्रेन ने यहाँ पे मेरे को ड्रॉप किया था 5 बजे। तो गाइस मैं सीधा मैयर स्टेशन से बाहर आया और सीधा यहाँ से आ गया मंदिर के पास। और मैं आपको बता दूँ अगर आप रूम नहीं लेना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं मैं फिर नहाऊँगा कहाँ और फ्रेश कहाँ पे होऊंगा, तो गाइस आप जिस भी दुकान से अगर प्रसाद लेंगे तो उनकी ऐसी वहाँ पर बाथरूमें बनी रहती हैं जिसमें कि आप इजीली नहा सकते हैं फ्री में, और बस उनकी दुकान से आपको प्रसाद लेना होगा जिसमें कि आप फ्री में नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं और फिर माता रानी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और बैग भी वहाँ पर दुकान पर रख सकते हैं, जो कि आपको 100 से या 150 रुपये का प्रसाद लेना पड़ेगा ओनली उनकी दुकान से। तो गाइस अभी हम मंदिर के लिए निकल चुके हैं, ये देख सकते हैं एक पहला गेट मिला जो कि रूप वे, यहाँ पे देखिए मार्ग लिखा है और पैदल मार्ग लिखा है। तो गाइस अगर आप रूप वे से भी जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। जिस टाइम मैं गया था अभी उस टाइम उसमें कुछ वर्क चल रहा था इसलिए वो ऑन नहीं था। तो गाइस मैं तो जा रहा हूँ पैदल, अगर आप भी पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल ही जाइए, अगर आप नहीं जा सकते पैदल तो आप रूप वे से जाइए। तो देख सकते हैं अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे प्रवेश द्वार के पास। तो गाइस आपको यहीं तक ऑटो ड्रॉप कर देंगे, अगर आप स्टेशन से आएंगे अपने रूम से तो वो यहाँ तक आपको ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए गाइस अभी हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कितनी यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, कौन सा रूट बेस्ट रहेगा जाने के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं। अभी यहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही आ चुका हूँ यहाँ पे 6:30 बजे। तो गाइस अगर आप भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइमिंग आपको बता देता हूँ कि आप सुबह सुबह अपने रूम से निकल जाइए 6 बजे और सीधा आप यहाँ पर आ जाइए। आपको यहाँ पर ज़्यादा लाइनों में भीड़ भी नहीं मिलेगी। अगर आप और ज़्यादा टाइम पर आते हैं, नवरात्रि के टाइम पर आते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत भीड़ मिलेगी। आपको दर्शन करने में ही 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अभी के टाइम पर तो आप मेरी वीडियो में आपको बिल्कुल भी यहाँ पे भीड़ नहीं दिख रही हुई क्योंकि मैं मॉर्निंग ही टाइम पे आ गया सीधा 6:30 बजे। और यहाँ पे भीड़ हो जाती है यानी कि आप समझ लिए 7-8 बजे से यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है। तो अगर आप आ रहे हैं तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी यहाँ पे आ जाइए, तो आपको इजीली दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे भी भीड़ मिलेगी, आपको ऊपर दर्शन करने में भी भीड़ मिलेगी। तो वहाँ पे अगर आपके पास टाइम हो आप यहाँ आ सकते हैं 6:30 बजे तो इजीली आ सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हमारी होने वाली हैं सीढ़ियाँ स्टार्ट। तो गाइस चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको आगे की जानकारी कि सीढ़ियाँ चढ़ने में कितनी कठिनाई आती है, कैसी क्या सीढ़ियाँ। तो देख सकते हैं ये रही माता रानी की सीढ़ियाँ जो कि आप इजीली चढ़ जाएंगे, बस माता रानी का नाम लेते चलिए। चलिए गाइस तो अब मैं अपनी सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करता हूँ और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कितनी कठिन है या आसान है। मेरे लिए तो वैसे आसान है, इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि 1100 ही सीढ़ियाँ, इससे ज़्यादा तो मैं वैष्णो देवी में चढ़ गया था। तो चलिए गाइस बहुत लोगों के लिए ये भी कठिन रहती है, तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है, आप रूप वे से आ सकते हैं और इनकी यहाँ पर कार भी चलती है जो कि कार बुक करके भी आप आ सकते हैं इजिली, यहाँ पर ऑफलाइन बुकिंग हो जाएगी। तो गाइस अभी मैं 400-500 सीढ़ियाँ चढ़ा था, थोड़ी सी थकावट हुई, तो यहाँ पर बैठने के लिए सब व्यवस्था है, आपको पानी के लिए भी सब व्यवस्था है, तो ईजिली आप पानी पीते हुए आराम से रेस्ट लेते हुए आप चढ़ सकते हैं। यहाँ पर आराम से आप जितनी सीढ़ियाँ एक बार में चढ़ पाएँ उतनी ही चढ़ें, एकदम से ना चढ़ें क्योंकि थकावट से अच्छा है कि आप रेस्ट लेते लेते जाएं। और अभी के टाइम पे तो यहाँ पे सीढ़ियों में बहुत कम भीड़ है, और अगर आप ऐसे फेस्टिवल के टाइम पे आएंगे जो कि नवरात्रि के टाइम पे, तो यहाँ पे आपको भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी सीढ़ियों में। अगर आप पैदल रास्ते से जाएंगे और रूप वे से भी जाएंगे तो उसमें आपको वेट करना पड़ेगा 1 से 2 घंटे का।
तो गाइस अभी हम 700 सीढ़ियां पार कर चुके हैं और फिर आपको यहां पर थोड़ा सा रोड वाला मार्ग मिलेगा जो कि आपको राहत देगा आपके, क्योंकि सीढ़ियों चढ़ने में इतनी कठिनाई होती है, इतनी आपको रोड से जाने में नहीं होगी। तो गाइस देख सकते हैं हमारा रोड वाला रूट खत्म हो गया, वापस से हमको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी जो कि 700 सीढ़ियां आपको पहले चढ़नी पड़ती है, फिर आपको 300-400 सीढ़ियां और चढ़नी पड़ती है। तो चलिए गाइस वो भी चल लेते हैं, देख सकते हैं अभी हम चल रहे हैं 1000 सीढ़ियों पर। तो चलिए गाइस ये देख सकते हैं बिल्कुल मंदिर के करीब आने लगे हैं अभी हम, और अभी के टाइम पे इसलिए हम फास्ट आ गए क्योंकि अभी हमको जाना भीड़ यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि हम मॉर्निंग में आ गए थे। अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे भीड़ जाना देखने को मिलेगी। आपसे मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपको हो सके जितने सुबह आप आएँ उतने सुबह यहाँ पे आ जाइए। तो चलिए गाइस अभी देख सकते हैं हम मंदिर के सामने आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं मॉर्निंग में इतनी मंदिर पे भीड़ है, तो देख सकते हैं आप 8-9 बजे के बाद कितनी भीड़ होगी। तो चलिए गाइस अभी हम चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए, क्योंकि अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसलिए आपको अंदर की वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए आपको हम बाहर से सारा यहाँ का व्यू दिखा देते हैं जो कि गाइस आपको बहुत प्यारा यहाँ से नज़र आने वाला है। चलिए माता जी के दर्शन करते हैं आपको और फिर अभी आपसे मिलते हैं। तो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत प्यारे हमारे दर्शन हो गए, और ये देख सकते हैं यहाँ का चारों साइड का व्यू। और गाइस हमारे दर्शन हो गए और हमें यहाँ तक पहुँचने में अभी तो 30 मिनट लगे थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वैसे आप आएंगे तो आपको भीड़ के डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग मंदिर तक पहुँचने के लिए। और चलिए अभी हम नीचे भी जाएंगे, हमारे दर्शन हो चुके हैं, बस अब थोड़ी देर में हम नीचे आएंगे क्योंकि हमारी 9 बजे की ट्रेन है। आप देख सकते हैं चारों साइड का यहाँ पे बहुत प्यारा आपको व्यू देखने को मिलेगा, जो कि आप वैष्णो देवी अगर गए होंगे वैसे ही आपको यहाँ पे भी फील आने वाला है। तो गाइस ये रहा मंदिर का सारा टूर, आपको हमने करा दिया, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मंदिर से रिलेटेड, अगर आप आ रहे हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हमसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी आईडी मिल जाएगी। तो चलिए गाइस हमारे दर्शन हो गए बहुत प्यारे, अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। ये देख सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं अब बगल में हमारी भीड़ है, और ये जो कि बैक आने का रोड है जो कि अभी के टाइम पे खाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह के टाइम आया था, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। और ये देख सकते हैं हम बिल्कुल 10-20 मिनट में सीधा मंदिर के नीचे आ गए, जो कि हमें टाइमिंग लगी थी 30 मिनट ऊपर पहुँचने में। तो चलिए गाइस हम वापस से अपने रेलवे स्टेशन आ गए जो कि मैयर स्टेशन है, और अब हम निकलते हैं अपने घर की ओर। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।